यही वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधना की। रहेगी तेरी आस्था, क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता। ओ 12,000 फीट की ऊंचाई पर बाबा केदारनाथ का धाम, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया था ध्यान, जहां से मिला पीएम मोदी को महाजीत का वरदान। केदार की उस गुफा तक पहुंचा न्यूज नेशन। कितनी कठिन है ध्यान गुफा की जगह, कैसे ध्यान गुफा में होता है मन शांत, पीएम मोदी ने क्यों की ध्यान गुफा में साधना, न्यूज नेशन के इस खास शो में आपको हर सवाल का मिलेगा जवाब। जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम्ब्य लम्बितांगुजंग तुंग मालिका। एक रास्ता ऐसा भी है जहां पर अभी भक्तों की जो कतार है वो नजर नहीं आती। हम बात कर रहे हैं उस गुफा की जो इन दिनों काफी चर्चा में है। जी हाँ, जिसे लोग मोदी गुफा कहते हैं, हालांकि वो ध्यान गुफा है जहां पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उन्होंने 17 घंटे का ध्यान वहां लगाया था। रास्ता थोड़ा कठिन है, सफर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन चलिए चलते हैं इस कठिन लेकिन रोमांचक रास्ते पर। केदारधाम मंदिर से जब आप ध्यान गुफा की तरफ जाते हैं वो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन ये रास्ता उतना ही ज्यादा कठिन भी है। जब आप ध्यान गुफा की तरफ बढ़ते हैं तो इस दौरान आपको प्राकृतिक खूबसूरती तो देखने को मिलती है, लेकिन उन खतरनाक रास्तों का भी सामना करना पड़ता है कि जरा सा आपका बैलेंस बिगड़ा और आप शायद घायल भी हो सकते हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो दो नदियों का सामना आपसे होगा, एक है मंदाकिनी नदी तो दूसरी है दुग्ध गंगा। वाकई में खड़ी चढ़ाई है, पता नहीं मोदी जी में क्या एनर्जी है कि वो चढ़ते हैं और थकते नहीं। मैं तो अभी से थक गई, मेरी तो अभी से ही सांसें फूल रही हैं। अब देखिए, जो आप पूरा नजारा देख रहे हैं आपको कितना खूबसूरत लग रहा होगा। इस खूबसूरत नजारे में हर कोई खो जाए, कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आखिर कैसे पीछे रहते, आपको याद होगा जब वो गुफा की तरफ जा रहे थे, इस दौरान यही वो रास्ते थे जहां पर उन्होंने बैठकर इस प्रकृति की सौंदर्यता को महसूस किया, उन्होंने कई तस्वीरें भी खिंचवाई। आपको बता दें यहाँ पे मौसम पल पल बदलता है, कुछ दिनों पहले भी जोरदार बर्फबारी हुई है और कहा जाता है कि यहाँ पर बर्फबारी अंतर होती रहती है। इन रास्तों को साफ किया गया है, खासतौर से DDRF जिसे कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिजर्व फोर्स, उनकी तरफ से यहां पर इसे पूरा यहां पे बर्फ को काटा गया, वरना ये पूरी रास्ते जो सड़कें थी रास्ते थे वो बर्फ से पटे पड़े थे। अब आप देखिए कितना खूबसूरत ये नजारा है और यही आगे हमको लेकर जाता है उस ध्यान गुफा की तरफ। ऊंचाई काफी ज्यादा है, आप ये सोचिए जो केदारधाम मंदिर है वो ही 12,000 फीट लगभग ऊंचाई पर है और जिस गुफा यानी कि हम ध्यान गुफा की तरफ जहां जा रहे हैं वो उससे भी कुछ ऊंचाई पर है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल किस तरह का होगा, और खड़ी चढ़ाई है तो ऑफकोर्स वो आपको थकाती भी है, लेकिन खूबसूरत वादियां हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है वो आपको अच्छा तो महसूस कराती है, लेकिन सांस लेने में दिक्कत जरूर होती, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए वरना और तकलीफ होगी। ध्यान गुफा की तरफ जाते हैं, वैसे तो रास्ता बहुत ज्यादा यहाँ पर आवाजाही लोगों की नजर नहीं आती, लेकिन कुछ जरूर नजर आ रहे हैं। आप यहीं के रहने वाले दादा? नहीं, नीचे के गुवत काशी के। तो यहाँ ऊपर क्या लेने गए थे? घास लेने के लिए। तो इतनी ऊंचाई पर घास लेने के लिए? उससे ऊंचाई। अच्छा, तो आप लोग हर बार रोजाना ऐसे ही आते जाते हैं? हाँ, हर बार रोज आते हैं। रोज आते हैं। तो ये घास को लेकर कहाँ नीचे लेकर जाते हैं? किस चीज की घास है ये? ये घास हमारे घोड़े खच्चरों के लिए।
अच्छा। हाँ उनके लिए काम आता है। हाँ। बस या तो ये और है नहीं कुछ। तो केदारधाम से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पहाड़ पर हम हैं और यहाँ से पूरी केदारनाथ वैली कितनी खूबसूरत नजर आती है, ये आप देखिए, ये नज़ारा कितना हसीन, कितना खूबसूरत है। और हम आखिर उस ध्यान गुफा के नज़दीक पहुँच चुके हैं। ऊपर ध्यान गुफा है, ये रास्ता है, लेकिन ऊपर चलते चलते प्यास लगाई है, गला सूख गया, ऑक्सीजन की कमी है, ठंडी ठंडी हवा है। और जो प्राकृतिक रूप से जो हमें ये तस्वीर नजर आई, आखिर मैं उससे खुद को रोक नहीं पाई। एक छोटा सा झरना यहाँ पर बहता हुआ नजर आता है, इसे कहा जाता है कि ये भी दुग्ध गंगा का ही एक हिस्सा है। अब कुछ कहा जाए उसके पहले पानी पिया जाए। चलिए अब हमें बढ़ना चाहिए गुफा की तरफ, हालांकि थोड़ी सी ऊंचाई और है, ऑक्सीजन की कमी ज़रूर होगी, लेकिन आखिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए हैं। देवभूमि उत्तराखंड वैसे तो कई गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई गुफाएं भाई देवभूमि है, तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर साधु संत गुफाओं में साधना करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी गुफा है जो पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रही है। ये है मेडिटेशन गुफा, जिसे ध्यान गुफा भी कहा जाता है। और जब से मोदी जी ने यहाँ पर आकर साधना की, तब से लोग इसे मोदी गुफा भी कहने लगे हैं। गोपाल जी हमारे साथ में, गोपाल जी यहाँ के केयर टेकर हैं। गोपाल जी अंदर गुफा का नजारा दिखाएंगे। तो चलिए गुफा के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या खासियत है इस गुफा में। तो हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट है हरीश जी, आप भी आइए गुफा का थोड़ा सा आप भी नजारा देखिए, दीदार कीजिए जरा संभलते हुए, क्योंकि ऊपर चट्टान के साथ में ये पूरी गुफा बनी हुई है। तो यही वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधना की, और उनकी वो साधना वाली तस्वीर जब एक गेरुए वस्त्र में, भगवा वस्त्र में एक साधक के रूप में आपको नजर आए, और यही इसी जगह पर बैठकर उन्होंने 17 घंटे की साधना की थी। आपको बता दें, जिस तरह से अगर हम इस गुफा की बात कर रहे हैं, लगभग 12,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर ये गुफा बनाई गई है। और कहा जाता है कि इस गुफा के बारे में जो चीजें बताई जाती है, सालों पहले कृष्णा माई नाम की एक महिला रहती थी, लेकिन उसके बाद में जो गुफा थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी, अब उसे एक नया रूप दिया गया, खास तौर से जब से मोदी जी यहां पर आए वो। और अब हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसका सभी जानना चाहते थे कि आखिर भाई ये खिड़की किस तरह की है। दरअसल ये जो खिड़की है, ये खिड़की इस गुफा से जुड़ी हुई है और यहां से सीधे केदारनाथ धाम के दर्शन किए जा सकते हैं। यानी कि पीएम मोदी भी इस गुफा में, इस जगह पर, इस खिड़की के पास में बैठे, वो तस्वीर भी आपने देखी होगी, और यहां से वो सीधे केदारधाम के दर्शन करते हुए नजर आए। सबसे खास बात ये कि बाबा केदार से पीएम मोदी का नाता बहुत पुराना है। कहा जाता है कि जब वो राजनीति का हिस्सा नहीं थे, तब भी लगभग 5 से 6 साल, बताया जाता है 1985 से 90 का वो समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साधक के रूप में यहाँ पर वक्त बिताया। और जिस तरह से एक साधु संत साधना करते हैं, इसी तरह से, हालांकि वो जिस गुफा में साधना किया करते थे वो थी गरुड़ चट्टी, लेकिन अब ये एक मेडिटेशन गुफा। अब हम आपको इस मेडिटेशन गुफा के बारे में बताते हैं। यहाँ पर एक बिस्तर लगाया हुआ है, चूंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है इस वजह से यहाँ पर कंबल की भी व्यवस्था है, ताकि आप यहाँ पर रात्रि विश्राम कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर आए तो लगभग 17 घंटे की उन्होंने यहाँ पर साधना की, रात्रि विश्राम भी उन्होंने यही किया। लेकिन चूंकि चट्टान है, आप सीधे खड़े भी नहीं हो सकते, और ये बहुत ठंडा है, यहाँ पे लगातार बर्फबारी होती है, बारिश होती है, अगर हम इसको टच करेंगे तो हम उसकी ठंडक भी महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि स्विच पॉइंट्स बनाए गए हैं, यानी कि लाइट की भी व्यवस्था है, आप उस लाइट को भी देख सकते हैं। होल्डिंग्स किए गए हैं ताकि आप अगर यहाँ पर आते हैं तो कपड़ों के अगर आप टांगना चाहते हैं, हालांकि टेलीफोन व्यवस्था अभी शुरू होना बाकी है, लेकिन कहा जाता है कि इसका कनेक्शन सीधे यहाँ पर ऑफिस से कनेक्शन होगा।
गढ़वाल निगम विकास निगम जो इसका इसकी पूरी जिम्मेदारी है पूरी गुफा को बनाने की, गोपाल जी से भी हम समझेंगे किसी भी तरह की अगर कोई इमरजेंसी होती है, अगर कोई कोई अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप सीधे इस फोन कॉल के जरिए आप उस ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। तो फोन की व्यवस्था के साथ साथ बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बेल भी लगाई जाने वाली है। हालांकि अभी कंटिन्यू जो कंस्ट्रक्शन है या फिर जो भी अभी और भी अपडेट होनी है चीजें वो लगातार होने वाली है। वो बेल अगर फोन से कनेक्शन अगर ऑफिस में नहीं होता तो वो बेल के जरिए आप सीधे ऑफिस में अपनी बात रख सकते हैं। चार्जिंग पॉइंट्स भी यहाँ पर है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये हीटर के लिए है। गोपाल जी आप भी इधर की तरफ आ जाइए, अब आपसे हम समझना चाहेंगे। हालांकि गुफा में आपको सीधा खड़ा होना थोड़ा मुश्किल है, आप जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तब भी आप यहाँ पर थे? जी मैं यहीं पे था उस समय भी, मैं यहीं पे था, मेरी यहाँ पे ड्यूटी थी उस समय, तो मैं हमारे उनकी व्यवस्था पे थे। मैंने उनकी जो बेडिंग थी वो मैंने की यहाँ पे, जो रात को रहने की व्यवस्था थी उनकी वो मेरे थ्रू हुआ यहाँ पे। अच्छा। यही बेड था, कंबल भी यही था, रजाई भी यही था, सेम बेड था। तो उस टाइम तो ठंड भी काफी होगी आज से 10-15 दिन पहले? जी जी जी, उस दिन बारिश भी थी काफी, तो ठंड तो ज्यादा ही थी। ये तो हिमालय है, यहाँ पे तो वैसे भी ठंड रहती है, लेकिन उस दिन तो वो बारिश थी। तो कितने घंटे की साधना करे थे? लगभग 17 घंटे की, वो इस गुफा में रहे 17 घंटे। मोदी जी के आने के बाद में अब लोगों में भी काफी उत्सुकता है इस मोदी गुफा को जानने की। अब देखिए ये जो है, ये जो पॉइंट्स हैं बेसिकली हीटर के लिए है, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है और जैसा हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर वेदर पल पल बदलता है। अभी धूप है, कल को कहा जाए कि कुछ ही पलों के बाद में यहाँ पे हो सकता है कि शायद बारिश शुरू हो जाए, यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक मिनी वॉशरूम भी बनाया हुआ है। मिनी वॉशरूम के बारे में हम आपको दिखाएं, यहाँ पे वॉश बेसिन है, यहाँ पर आपको एक बाल्टी रखी हुई है, उसके साथ साथ दो मग्गे भी है, तीन मग्गे यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और यहाँ पर पानी, चूंकि ठंडक बहुत रहती है तो गर्म और ठंडे पानी दोनों की व्यवस्था है। और यहाँ पर ये टॉयलेट की भी व्यवस्था इस पूरे छोटे से इस गुफा में, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा प्यारा सा एक कमरा भी इसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पर शीशा भी है कि आप यहाँ पर अपना दीदार भी कर सकते हैं। ये टॉयलेट है यहाँ पे, इसके साथ ही साथ ये वॉश बेसिन है, बाल्टी है, डस्टबिन भी है। और चूंकि यहाँ पे ठंडक बहुत ज्यादा है, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जब हम इस शिला को, जब हम इस पहाड़ को अगर छू रहे हैं तो उस ठंड का एहसास हमें हो रहा है। और कहा जा सकता है कि जब आज चूंकि ऊपर तो आसमान में यहाँ पर धूप है, तब अगर ये इतना ठंडा है तो जब बारिश या फिर बर्फबारी होती होगी तो यहाँ पर क्या स्थिति होती होगी। तो यही है वो गुफा जिसे अब लोग मोदी गुफा कहते हैं। जिस गुफा में हम बैठे हैं थपरियाल साहब, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब से मोदी जी ने साधना की, तो क्या उसके बाद में जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के मन में भी कोई उत्सुकता रहती है? देखिए, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी इस गुफा में रहे और इस गुफा में 17 घंटा तपस्या करने के बाद यहाँ से बद्रीनाथ के लिए गए, उस दिन से लगातार जो तीर्थ यात्री धार्मिक श्रद्धालु जो बाबा केदार के दर्शन को आ रहे हैं, वो सारे लोग इस गुफा के दर्शन करने को पहुंच रहे हैं कि आखिर इस इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री और एक छोटी सी गुफा में कैसे रहे, कैसे उन्होंने ध्यान साधना की, लोग इस गुफा को देखने आ रहे हैं। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि हर सुविधा यहाँ पर जरूर नजर आती है, भले ही छोटी सी कंजेस्टेड सी ये गुफा है, लेकिन यहाँ पर जो जरूरत की चीजें हैं, जरूरत की वस्तुएं आपको जरूर नजर आती है। हालांकि कहा जाता है बाबा केदार के धाम में जो भी कोई यहाँ पर आकर साधना करता है, लीन रहता है, भोलेनाथ की श्रद्धा में वो अगर लीन रहता है, पूजा पाठ पूजा अर्चना करता है, तो वो खुद एक शिव साधक शिव रूप में उनके सामने आ जाता है, एक अलग ऊर्जा से वो पूरी तरह से प्रोत हो जाता है। तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे, 17 घंटे का उन्होंने वक्त बिताया, तो वो भी एक नई ऊर्जा के साथ में जरूर नजर आ रहे होंगे। और शायद यही वजह है कि एक वो देश सेवक जन सेवक के रूप में अब एक नई भूमिका में नजर आएंगे। कहा जा सकता है कि ये वही इसी तरह की गुफा है जिस तरह से पहले वो लगातार साधना करते रहे हैं। तो अगर आप भी केदारधाम आते हैं तो एक बार इस मेडिटेशन गुफा, ध्यान गुफा, जिसे अब लोग मोदी गुफा के नाम से भी जानते हैं, एक बार यहां पर जरूर पहुंचिए। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ नैना यादव, केदारधाम।